फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अल्ताफ शेख। स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बिगनर टू प्रोफेशनल। दोस्तों, कल हमने बात क्या की थी? दोस्तों यहां पे ये बात की थी कि मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप अगर ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 35,000 हमारा की लेवल बनेगा और 35,000 को रिस्पेक्ट करते हुए दोस्तों मार्केट अगेन डाउन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो कि दोस्तों आज मार्केट ओपन होने के बाद आप देख सकते रहोगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों। मार्केट दोस्तों यहीं पर फ्लैट ओपन हुआ है और फ्लैट ओपन को होकर दोस्तों मार्केट ने इसी हमारे लाइन को मतलब 35,000 के नियर अबाउट आसपास, मतलब 34,933 के लगभग आसपास दोस्तों मार्केट ने इसको ओपन होने के यहाँ पे टच करने का फ्रेंड्स मार्केट अगेन नीचे आ चुका है। और नीचे आने के दोस्तों कम से कम दोस्तों ओपनिंग के बाद से लेके फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट तकरीबन 2 बजे तक का दोस्तों मार्केट एक रेंज बाउंड फेस में ही रहा है। जो कि जो फेस जो था यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं काउंट करके बताऊँ आपको तो 34,680 से लेकर दोस्तों यहाँ पर 34,855 के लगभग आसपास दोस्तों, ये कम्प्लीटली मार्केट का एक रेंज बाउंड फेज़ है। और मार्केट दोस्तों पूरा दिन आज इसने यहीं पे टाइम पास किया है। उसके बाद दोस्तों 2 बजे के बाद मार्केट में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये दोस्तों जब भी दोस्तों ऐसा रेंज बाउंड सिचुएशन आता है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि FII या प्रोफेशनल लोग जो होते हैं दोस्तों, वो अपनी पोजीशन इस रेंज बाउंड फेज में क्लोज करते हैं दोस्तों। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों जो सडन फिर एक स्पाइक आता है तो उन्हीं की क्लोजिंग के बाद उन्हें दोस्तों आना चालू हो जाता है। तो उसी का दोस्तों नतीजा है कि 2 बजे के बाद दोस्तों यहाँ पे एक स्पाइक आया है नीचे, यहाँ तक लगभग 34,500 के आसपास तक है दोस्तों। और यहाँ से छोटी सी एक रिकवरी हमें देखने मिली जो कि दोस्तों 100 पॉइंट की थी, मतलब 34,600 के लगभग आसपास में। और मार्केट ने दोस्तों आज की जो क्लोजिंग दे दी है वो दिए दोस्तों 34,590 के लगभग आसपास में दोस्तों। ये तो हो गई दोस्तों कल वाली बात जो मैंने आज की वीडियो में बताया था मतलब कैसा। और अभी दोस्तों देखेंगे हम कल आने वाले कल मतलब कि हमारी एक्सपायरी डे मंथली के हिसाब से भी और वीकली के हिसाब से भी दोस्तों कैसा हो सकता है। चलो अब दोस्तों उसके बारे में थोड़ा नज़र डाल देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको टाइम फ्रेम 1 डे का लगा के दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में किस तरह की कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लगातार मतलब कल वाली कैंडल 22 तारीख की और आज वाली कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब सीधा सीधा दोस्तों यही आ रहा है कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में ही दोस्तों यहाँ पर अभी भी, और सेलिंग प्रेशर में दोस्तों है होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे मार्केट कल के सेशन में भी दोस्तों यहाँ पे डाउन ही हो सकता है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि नीचे के साइड पकड़ के चले, और जो नीचे का दोस्तों जो लेवल होगा दोस्तों, ये मान लीजिए तकरीबन दोस्तों 34,373 का लगभग दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ तक के मार्केट आने की पूरी उम्मीद है कल के सेशन में दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। और मार्केट दोस्तों कैंडल को देखते हुए मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि मार्केट डाउन साइड में ही है दोस्तों अभी भी, ठीक है फ्रेंड्स। और जो मार्केट का रेंज है दोस्तों, ये 34,500 से लेकर 35,000 के आसपास तक दोस्तों ये मार्केट का रेंज है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी ज़्यादा समझने के लिए दोस्तों इसे मैं आपको 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और वहाँ पे देखने की कोशिश करते दोस्तों कि मार्केट किस तरह का बिहेव कर सकता है कल के एक्सपायरी के दिन के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको मैं थोड़ा छोटा करके अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पे, देखिए दोस्तों आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट दोस्तों एग्जैक्टली इसी चैनल के अंदर है, 35,000 से लेकर 34,500 के बीच में। अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए दोस्तों कल के सेशन में अगर दोस्तों मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, और अगेन दोस्तों फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों अगर इस चैनल के अंदर चला जाता है, इसी के चैनल के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो कि दोस्तों 800 से लेकर 900 के बीच में, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी अगेन दोस्तों यही है कि मार्केट अगेन रेंज बाउंड हो सकती है इसी फेज़ के बीच में। जब दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस रेंज को अगर तोड़े अपर साइड में, तो एक अप साइड की मूवमेंट हमें मिल सकती है दोस्तों, जो हमें लेके जाएगा मार्केट जो तकरीबन 35,000 के लेवल के आसपास तक है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं गैप अप की दोस्तों अगर बात करूँ, अगर मार्केट अगर इसके ऊपर दोस्तों अगर ओपन होता है यहाँ पर, तो हमें दोस्तों यहाँ पे वेट करना होगा दोस्तों, क्योंकि वेट इसलिए करना होगा कि यहाँ पे रिवर्सल भी दोस्तों बन सकता है, क्योंकि 35,000 पे दोस्तों अभी तक के सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में, जो कि दोस्तों मैं भी आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ तक के जाने के बाद दोस्तों मार्केट अगेन वहाँ से बाउंस हो सकता है डाउन साइड में, तो हमें दोस्तों यहाँ पे वेट करना गैप अप ओपन होने के बाद। अगर मान लीजिए 800-900 के बीच में अगर ओपन होता है, तो हमें दोस्तों कैंडल बनने का वेट करना है। और यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनती है 34,950 के लगभग आसपास में दोस्तों, तो हमें दोस्तों वहाँ से पुट हमारा एक बनता है कि दोस्तों 35,000 के ऊपर मार्केट जाने से रही दोस्तों, अभी जाने के कैपेसिटी में नहीं है। अगर फिर भी अगर दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट अगर
प्रेशर कर कर अगर वॉल्यूम के साथ अगर अपर साइड में अगर दोस्तों ब्रेकआउट कर भी देता है तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट जा जाकर भी दोस्तों यहाँ पर इस लेवल तक जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है 35,252 के लगभग आसपास में। लेकिन दोस्तों ये कल के दिन में आना दोस्तों मुश्किल मुझे लग रहा है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 35,000 के ऊपर दोस्तों कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिवली अपने पोजीशन को बिल्डअप करके बैठे हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों कल के दिन में मुझे नहीं लगता दोस्तों 35,000 के ऊपर मार्केट जाएगा, उसको टेस्ट करके दोस्तों मार्केट अगेन डाउन साइड में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। वह भी दोस्तों अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर मार्केट अगर दोस्तों इस जो लाइन है दोस्तों हमारा जो चैनल की लाइन है ये 34,500 के आसपास के दोस्तों अगर इसे ब्रेक डाउन करता है दोस्तों तो मार्केट में दोस्तों पूरी पूरी चांसेस है दोस्तों अगेन दोस्तों यहाँ पे मार्केट 34,373 के लगभग आसपास में आने की। ये दोस्तों अगर ऑप्शन चेन की अगर दोस्तों बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से दोस्तों पुट साइड दोस्तों इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही जितना कॉल साइड है दोस्तों। कॉल साइड बहुत ही मजबूत है, मतलब कल के दिन में दोस्तों मार्केट इसे डाउन साइड में ही ब्रेक डाउन करके कल के दिन में दोस्तों 34,300-350 के लगभग आसपास में मार्केट आने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पे नज़र आ रही है। और कल का जो रेंज रहेगा दोस्तों रेंज भी दोस्तों यही बनने वाला है 34,500 से लेकर दोस्तों 34,800 के लगभग आसपास में दोस्तों ये रेंज हमारा कल के दिन में बन सकता है, छोटा सा रेंज जिसमें दोस्तों 700-800 वाला रेंज दोस्तों हमारा ये होगा और रेंज बाउंड सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी इसी चीज़ को दोस्तों मैं ऑप्शन चेयर में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि ऑप्शन चेयर में किस तरह की पोजीशन बनी हुई है। दोस्तों देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन को लेकर आ चुका हूँ दोस्तों आपके पास यहाँ पे। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे तो कॉल साइड में अगर देखोगे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है दोस्तों ये है 35,000 के लेवल पे, जो तकरीबन 109,508 दोस्तों इतने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप हो चुके हैं दोस्तों। उसी में दोस्तों आज के दिन में 23,700 के लगभग आसपास में दोस्तों ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नए बिल्डअप हुए, मतलब ऐड हुए दोस्तों यहाँ पे 35,000 के लेवल पे कॉल साइड में। वहीं पे दोस्तों अगर मैं पुट साइड में अगर बात करूँ दोस्तों सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोस्तों जो बनकर आ रहा है हमारे सामने वो है दोस्तों 34,000 का लेवल दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों 60,900 के लगभग आसपास दोस्तों ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, जिसमें से दोस्तों 9,300 ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में दोस्तों यहाँ पे फ्रेश ऐड हुए दोस्तों 34,000 के लेवल पे। मतलब दोस्तों सीधा सीधा यही निकल के आ रहा है कि 34,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों और 35,000 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर बन के आ रहा है कल के एक्सपायरी के दिन के लिए। और बीच में अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे 34,500 के लेवल के आसपास में दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 34,500 पे पुट साइड में देखो दोस्तों तो 47,600 के आसपास दोस्तों यहाँ पे पुट राइटर जो है यहाँ पे एक्टिव है यहाँ पे दोस्तों, जिसमें से 8,600 के आसपास दोस्तों आज से दिन में पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप हुए फ्रेश बाइंग पुट साइड में। और वहीं पे दोस्तों 34,500 पे अगर मैं बात करूँ कॉल साइड की दोस्तों, तो कॉल साइड में दोस्तों 31,200 के आसपास में दोस्तों ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुए, जिसमें से दोस्तों 13,900 के आसपास फ्रेंड्स ये आज के दिन में फ्रेश पोजीशन यहाँ पे ऐड हुए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे यही मैं आ रहा है सीधा सीधा से कि 34,500 के ऊपर के जितने भी पोजीशन है दोस्तों कॉल साइड में यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रेश पोजीशन दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 34,500 पे दोस्तों 13,900 के आसपास है और 34,600 पे दोस्तों देखोगे तो 14,500 फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बने हुए। वहीं पे दोस्तों 34,700 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों तो 22,000 के लगभग आसपास दोस्तों आज के दिन में फ्रेश पोजीशन ऐड हुए। और 34,800 के लेवल की दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 24,600 पोजीशन दोस्तों यहाँ पे फ्रेश ऐड हुए कॉल साइड में। इसका मतलब साफ साफ यही आ रहा है दोस्तों कि 34,800 दोस्तों ये हमारा स्ट्रॉन्ग दोस्तों हमारा एक हर्डल बनने वाला है कल के सेशन में। और जो हमारा रेंज निकल के आएगा दोस्तों ये भी 34,800 के लगभग आसपास में निकल के आने वाला है, क्योंकि दोस्तों 34,800 के लेवल पे दोस्तों यहाँ पे फ्रेश पोजीशन 24,600 के लगभग आसपास में आज के दिन में ऐड हुए। और टोटल ओपन इंटरेस्ट की अगर दोस्तों बात करूँ यहाँ पे तो 45,400 के आसपास पोजीशन बने हुए हैं 34,800 के लेवल पर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मार्केट दोस्तों कल के दिन में 34,800 के नीचे रहने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और 34,000 दोस्तों अगर नीचे की साइड में बात करूँ तो 34,300 के लेवल पे भी दोस्तों अगर मैं देखूँ यहाँ पर ध्यान से तो 34,200 के लेवल पे अगर दोस्तों मैं देखूँ यहाँ पे तो 18,000 ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुए, जिसमें से दोस्तों 1600 कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों आज ही के दिन में ऐड हो गए 34,200 के लेवल पे फ्रेंड्स। तो मतलब नीचे की साइड में दोस्तों 300-200 मतलब इस रेंज तक के मार्केट आने की पूरी पूरी उम्मीद है अगर दोस्तों मार्केट 34,500 को ब्रेक डाउन कर देता है तो। और दोस्तों जाहिर है कि मुझे जहाँ तक ये मार्केट नज़र आ रही है दोस्तों कल के दिन में
ये 34,500 को ब्रेक डाउन करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कॉल साइड में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन मजबूती के साथ बना के रखा हुआ है पुट साइड के मुकाबले में। तो ऑप्शन चेन भी दोस्तों यही कह रहा है अभी हमसे कि कॉल साइड बड़ा मजबूत है दोस्तों, पुट साइड में मार्केट कल रहने वाला है और हमें दोस्तों कॉल साइड में ज़्यादा पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, हमें पुट साइड में कल के दिन में एक्सपायरी के डे में दोस्तों हमें काम करना होगा और पुट साइड में दोस्तों हमारा पैसा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अगेन चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। दोस्तों तो आगे हम अपने चार्ट की तरफ, तो जैसा कि दोस्तों ऑप्शन चेन की मैंने अभी आपको क्लियर कट बता दिया दोस्तों कि मार्केट दोस्तों कल के दिन में ये हमारा जो 34,375 के आसपास लगभग दोस्तों ये लेवल भी टच करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और वहीं पे दोस्तों अगर मैं इस चैनल की दोस्तों बात करूँ, ये चैनल दोस्तों जो बनकर आ रहा है हमारे सामने 34,858 का दोस्तों चैनल का हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि दोस्तों मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ेगा दोस्तों तो एक छोटा सा 150-200 पॉइंट का अप हमें यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों, जो कि मार्केट को लेके जा सकता है 35,000 के लेवल के नियर अबाउट आसपास तक के दोस्तों। ठीक है, मतलब कॉल साइड में दोस्तों ज़्यादा स्कोप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, पुट साइड में दोस्तों ज़्यादा स्कोप मुझे नज़र आ रहा है। तो कल के दिन में दोस्तों मार्केट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड में रहने की, और इस अगर चैनल के बीच में रहता है दोस्तों 34,685 से लेकर 34,858 के बीच में, तो दोस्तों मार्केट अगेन रेंज बाउंड होने की सिचुएशन हो सकती है। तो कल के दोस्तों ओपनिंग में दोस्तों हमें ऑप्शन चेन वापस से दोबारा देखना होगा, और ऑप्शन चेन को अगर दोस्तों आपको बारीकी से समझना होगा या आपको लाइव में दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप दोस्तों उस वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको मार्केट में लाइव डेटा जो भी मार्केट जो बना रहा होगा दोस्तों वो मैं वहाँ पे पोजीशन आपको बता देता हूँ, तो उसके मदद से दोस्तों आप अपनी पोजीशन को ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये सारे ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन को दोस्तों पूरा मद्देनजर कंक्लूजन यही मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में दोस्तों कि मार्केट कल के सेशन में 34,800 के नीचे रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और नीचे से दोस्तों अगर मैं टारगेट बताऊँ तो 34,300 के लगभग आसपास में दोस्तों मार्केट जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इन बिटवीन दोस्तों मार्केट रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और मार्केट का जो दोस्तों एक्चुअल रेंज की अगर दोस्तों बात करूँ मैं, तो 34,000 हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, वहीं पे दोस्तों 35,000 हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, अगर हेल्प मिला होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सवाल या सुझाव जो भी होंगे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ इजी तरीके से आपको मैं समझा पाया हूँ। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगेन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स।